लेसन में हम स्ट्रेस टेंसर के बारे में कुछ एक्सरसाइज़ेस डिस्कस करेंगे ठीक है वो कॉन्सेप्ट स्ट्रेस टेंसर के बारे में लास्ट टू लेसनस में आप पढ़ चुके हैं वो सारे अपने माइंड में रखें रिकॉल करें उनसे रिलेटेड ही यहाँ सारी एक्सरसाइजेस हैं आपने टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेसिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ा ठीक है स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट्स के साइंस आपको ये बता रहे हैं और नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा श्योर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा देन आपने देन आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन के बारे में पढ़ा ठीक है ये सारे कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड हम यहाँ एक्सरसाइजेस करेंगे लेट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग स्ट्रेस स्टेट

बॉडीज इन तो जो स्ट्रेस टेंसर है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है जो यहाँ, आपके पास कॉशिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आ रही थी तो ये इक्वेशंस हैं वो सिग्मा जे आई कॉमा जे प्लस एफ आईज इक्वल टू जीरो तो टू डी में जब आप इनको लिखेंगे तो आपके पास ये दो इक्वेशन आएंगी हेयर वी यूज द फॉलोइंग इक्वेश अब आपको कैसे पता चला कि आपने ये इक्वेशन यूज करनी है कि आपको गिवन है बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है उसका स्ट्रेस टेंसर गिवन है और आपने फाइंड कर है बॉडी फोर्सेज ठीक है तो दिस इज द इक्वेशन कि जो बॉडी अगर इक्विलीवियम है उसमें स्ट्रेस टेंसर भी आ रहा है उसमें बॉडी फोर्सेस भी आ रही है कि बॉडी फोर्सेज और स्ट्रेस टेंसर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक है हाँ आप स्ट्रेस टेंसर यूज करेंगे और बॉडी फोर्सेज फाइंड करेंगे सो so,

ये जो x1 एंड x2 है इसकी जगह आप x और y रिप्लेस कर दें क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेस टेंसर है उसमें xy की टर्म्स आ रही है ठीक है अगर यहां x1 x2 होगा तो आप x1 और x2 ही रहने दें सो so, आपके पास यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव्स जब आप ले लेंगे तो पार्शियल पे पार्शियल x ऑफ xy इज y एंड पार्शियल पे पार्शियल y ऑफ 5y इज 5 और जो प्लस एफ वन है वो हमने ऑलरेडी दूसरी साइड पर लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू माइनस एफ वन तो, तो यहाँ से आप सिंपलीफाई करें तो आपके पास एफ़ वन जो है वो फाइव माइनस वाई आ जाएगी तो ये फर्स्ट बॉडी फोर्स का फर्स्ट कंपोनेंट है एफ वन दैट इज़ फाइव माइनस वाई एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से आप निकालेंगे जब एफ टू तो वो आपके पास जीरो आ जाएगा दैट मीन्स कि वो जो बॉडी फोर्स है एफ थीके? उसके कंपोनेंट्स आपके पास क्या आ रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट इज फाइव माइनस वाई एंड सेकेंड इज जीरो सो दिस इज द बॉडी फोर्स ठीक है so force, तो इस तरह से अगर आपको थ्री डी में भी कंपोनेंट्स गिवन है स्ट्रेस के तो आप फिर तीन इक्वेशंस यूज करेंगे और यहाँ से एफ वन एफ टू एफ थ्री निकाल लेंगे

इस स्ट्रेस मैट्रिक्स में कौन से स्ट्रेस कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं और कौन से शेयर तो आपके पास जो डाइटल होते हैं वो आप उनको आप कहते हैं कि दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस तो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या आ जाएंगे सिग्मा वन वन एक्स वाई एंड सिग्मा टू टू फोर एक्स ठीक है दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस क्या आएंगे फाइव वाई एंड फाइव वाई ठीक है सिगमा वन टू इज टू सिगमा टू वन शेयर स्ट्रेसेस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉन्स्टेंट फॉर द स्ट्रेस मैट्रिक्स दस ठीक है इस स्ट्रेस मैट्रिक्स के लिए आपने कॉन्स्टेंट फाइंड करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ठीक है कि अगर आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस है तो आपके पास एक्स वाई में क्या कॉन्स्टेंट आएगा ठीक है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड सिमिलरली इफ द स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस तो आपके पास क्या कॉन्स्टेंट बनेगा एक्स वाई पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे इस तरह का कॉन्स्टेंट फाइंड करना है आपने फॉर स्ट्रेस फर्स्ट आप डिस्कस करें स्ट्रेस को so, अब टेंसाइल स्ट्रेस के लिए आपको उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं इनको पॉजिटिव होना चाहिए फॉर टेनसाइल सिगमा आई आई शुड बी ग्रेटर दैन जीरो सिगमा आई आई ग्रेटर देन जीरो मीन्स कि सिग्मा वन वन भी ग्रेटर देन जीरो हो और सिग्मा टू तो टू तो भी दोनों को पॉजिटिव होना है सो एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड फोर एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो इन दोनों कंपोनेंट्स को ये जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं शेयर टेंसर के इनको

के टेंसाइल स्ट्रेस के लिए दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए सो फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस हम देखेंगे कि हमें क्या कॉन्स्टेंट मिलता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है सिग्मा आई आई शुड बी लेस देन जीरो ठीक है तो सिग्मा आई आई लेस देन जीरो मीन्स कि सिग्मा वन वन भी लेस देन जीरो होना चाहिए और सिग्मा टू भी लेस देन जीरो एंड दीज सिग्मा वन लेस देन जीरो इम्प्लाइज एक्स वाई शुड बी लेस देन जीरो एंड सिग्मा टू लेस देन जीरो इम्प्लाइज फोर एक्स लेस देन जीरो ठीक है अब यहाँ से जो सिर्फ एक्स की कंडीशन है उसको देंगे शुड बी लेस लेस देन देन ठीक है एंड इज इज नेगेटिव तो अगर वाई नेगेटिव होगा फिर तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव बन जाएगा ठीक है ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा सो इफ एक्स इज लेस देन जीरो और ये प्रोडक्ट हमें लेस देन जीरो चाहिए तो वाई हमें पॉजिटिव रखना है ठीक है तो आपके पास कॉन्स्टेंट क्या बनेगा एक्स इज लेस जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो सो फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके पास कॉन्स्टर आ गया जीरो ग्रेटर देन जीरो अगेन सी आपके पास ये स्ट्रेस मैट्रिक्स था आपने कॉन्स्टरेंट फाइंड करने हैं फॉर स्ट्रेसेस तो स्ट्रेसाइल स्ट्रेस के लिए आपने सिग्मा आई आई को ग्रेटर जीरो लिया और आपको कॉन्स्टरेंट मिला एक्स ग्रेटर के लिए आपने आई आई को लेस देन जीरो लिया और आपको क्या कॉन्स्टेंट मिला एक्स इज लेसन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो Stress आपके पास फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द स्ट्रेस स्टेट दिस ठीक है इसी मैट्रिक्स के लिए आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप कैसे फाइंड करेंगे उनकी आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स की तो आइगन वैल्यूज के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सिगमा आई जे माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा इसका डिटर्मिनेंट एक्स वाई माइनस लेमडा फाइव वाई फाइव वाई एंड फोर एक्स माइनस लेमडा इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी एक्स वाई माइनस लेमडा इंटू फोर एक्स माइनस लेमडा माइनस ट्वेंटी आपने बेसिकली लेमडा की वैल्यूज फाइन करनी है तो लेमडा में कॉर्डेटिक्वेजन बना ले तो आपके पास ये quadratic equation आती है तो आपके पास ए जो है बी जो है वो माइनस फोर एक्स प्लस एक्स वाई है और सी ये पूरी टर्म है इस quadratic equation को जब आप solve करेंगे लेमडा के लिए तो आपके पास यहाँ से प्लस माइनस साइन के साथ ये दो वैल्यूज आएंगी तो ये आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस है फॉर दिस स्ट्रेस ट्रे